अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सम्मू और आपका हमारे YouTube चैनल सम्मू के व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जा रहे हैं अपने पड़ोसी जिला बहराइच में, जहां पर एक बहुत बड़ा दरगाह है और वो दरगाह है सैयद सलार बाबा जी का। तो वहां पर जाने के लिए हम एकदम रेडी हो चुके हैं। अभी 9 बज रहा है और हम सुबह सुबह ही नहाए हैं। अगर दरगाह नहीं जाना होता तो हम नहाते नहीं। तो वहां पर जाने के लिए हमारे पास है ये 500 रुपये हमारे पास है और देखते हैं इस पर लौट पाते हैं या नहीं। वैसे इतना लगेगा नहीं लेकिन 500 लेकर जा रहे हैं और हमारे अकाउंट में भी कुछ पैसे हैं। तो ये हमारा बैग एकदम रेडी हो चुका है एंड गाइस अभी अपने घर से निकल चुके हैं। सो गाइस अभी हम आरनगर में पहुंच चुके हैं। ये हमारे गांव का हाईवे है और हम 9 बजे ही निकले थे और अभी जाते जाते हमें 11 बज गए हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। देखिए मान लें यहाँ पर एक बस भी है। ये भी चला गया, आप देखते हैं कोई और पकड़ते हैं यार। और गाइस जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश का कितना ज़्यादा विकास हो रहा है। एकदम नहर वहर एकदम चमक रहे हैं। ऐसा ही होता है यार, जब चुनाव आता है बस थोड़ा सा रिपेयर कर देते हैं और कुछ नहीं होता है। बाकी सभी हाल है हमारे उत्तर प्रदेश का। सो गाइस अभी हमारे नगर में थे तो हमको कुछ नहीं मिला यार बैठने के लिए, बस बस कुछ भी नहीं मिला था। तो हम इस पिकअप को रुकवाए हैं तो ये भाई साहब हमको पयागपुर छोड़ रहे हैं। और सो गाइस जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस पिकअप से हम यहाँ पर आए हैं। ये है पयागपुर का चौराहा, ये रहा ये गेट और इधर लिखा हुआ है हस्ती जाने का पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ से हम पकड़ते हैं बहराइच के लिए बस, तो कुछ भी मिल जाएगा हम उसी से चले जाएंगे। और गाइस इसी बस से हम पयागपुर से बहराइच आए हैं। ये रही हमारी बस गई यार, उसमें जगह ही नहीं था तो कड़े कड़ी आए, हालत ख़राब हो गया। तो हम यहाँ से हम दरगाह जा रहे हैं इस टेम्पू से। सो गाइस जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर ठहरने की बहुत ज़्यादा उत्तम व्यवस्था की गई है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं और आपको रात रुकना है तो आप यहाँ पर रात बिता सकते हैं एकदम फ्री में, कोई भी पैसा या चार्ज कुछ भी नहीं लगेगा। और सरकार जब ये जंजीर फाटक के पास में, ये है जंजीर फाटक जो कि दरगाह जाने के लिए सबसे उत्तम जगह है। दरगाह जाने का रास्ता ये है तो इसे ही जंजीर फाटक बोलते हैं। देखिए कितना सजाया हुआ है इन लोगों ने, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि दरगाह जाने का रास्ता ये है। सो गाइस अभी हम दरगाह के अंदर आ चुके हैं और आप यहाँ का भीड़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है यार। अभी तो कोई मेला भी नहीं है इसकी बात ही, मतलब इतना भीड़ है कि पूरा आंगन भरा हुआ है, अब चलने की भी जगह नहीं है। और सो गाइस अभी यहाँ पे जो दीवार देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर आपने इस पर सिक्का चिपकाया, अगर चिपक गया तो समझो ऊपर वाले आपके सुन लेंगे, जो कुछ भी आपका मुराद होगा वो पूरा हो जाएगा। और सो फाइनली गाइस अभी हमने कबाब ले लिया है, ये रहा 4 कबाब और ये 4 पराठा हम लेकर आए थे घर से, 4 पराठा है। बहुत ज़्यादा सब्जी यार, इतना पूरा हम खा भी नहीं पाएंगे, देखते हैं कितना खा पाते हैं। और गाइस अभी हमने खाना खा लिया हुआ है, तो हम पूरा खाना नहीं खा पाए थे, आधा ही खा पाए तो आधा ये बच गया है। तो अभी हम किसी जानवर को खिलाने वाले हैं क्योंकि फेंकने से बेहतर है यार कि किसी को खिला दिया जाए। यहाँ पर बहुत सारे जानवर हो रहे हैं जो खिलाने की ट्राई करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ अनारकली में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अनारकली वो जगह है जैसे कि आप सभी में गंगा जल में स्नान करते हैं, तो ऐसे ही हमारे में अनारकली में नहाते हैं। और गाइस अगर मैं चाहता तो यहाँ से ऑटो ऑटो ले सकता था, लेकिन मुझे पैदल घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पैदल घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है। और गाइस यहाँ पर मैं 12 साल पहले आया था, जब मेरे अंकल की शादी हुई थी तो वो आए थे यहाँ पर हनीमून के लिए, तो
तीन अंकल की शादी हो चुकी है और अब आए हैं हम यहाँ पर अनारकली में। तो जैसे ही हमने इस पहाड़ वगैरह को देखा तो ही हम जान गए पहचान गए और ये अनारकली मुझे दिख रहा है। और गाइस जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो कि हम अनारकली में पहुंच चुके हैं। ये रहा अनारकली का तालाब और हम यहाँ नहीं नहा पाएंगे यार, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है कान की, तो मेरे कान में पानी वगैरह भर जाता है जिसकी वजह से मैं नहीं नहा पाता हूँ। तो गाइस अभी 3 बजने वाले हैं और मैं घर जा रहा हूँ। यहाँ से मुझे जल्दी से बस पकड़ना होगा वरना लेट हो जाएगा तो बस नहीं मिलेगा। अल्लाह हाफिज़ बाबा जी, बाय बाय। सो गाइस हम 3 बजे से पहले निकले हुए थे यार, लेकिन अभी 4:30 बज रहा है, कोई भी बस वस नहीं मिल रहा है, कुछ भी ट्रांसपोर्ट से नहीं मिल रहा है, कोई भी गाड़ी भी नहीं रुक रहा है यार। मैं लिफ्ट मान के सोच रहा हूँ लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुक रहा है, और कुछ लोग रुक रहे हैं लेकिन वो भरकर बहुत ज़्यादा लेकर जाएंगे। और गाइस अभी मैं सड़क के किनारे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो ये अंकल मुझे पहचान गए, हमारे गांव के ड्राइवर हैं, बहुत ही अच्छा है हमारे अंकल लगते हैं, जिन्होंने हमको पहचान लिया और गाड़ी रोक दिया, वरना परेशान हो जाते हैं आते आते। तो दिल से शुक्रिया इनको। और दोस्तों अभी हम अपने घर जा रहे थे तो हमको ये रास्ते में मेला दिख गया है, तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि गाँव का मेला ऐसा ही होता है, कितना ज़्यादा भीड़ आप देख। और सो गाइस अभी हम अपने घर पहुंच चुके हैं और जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एकदम अंधेरा हो चुका है, एकदम रात हो चुका है। तो बस यार बहुत ज़्यादा यार गाड़ी नहीं मिली थी इसकी वजह से लेट हो गया, वरना बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।